Assalamualaikum my YouTube family। तो आज है जनाब बारात का दिन और हम लोग सब पहुंच गए थे लड़के वालों के घर बारात के लिए निकलने के लिए। अभी हो रही है सेहराबंदी की रस्म। अच्छा, अब जो पहले की तरह जिस तरह सेहराबंदी होती थी, प्रॉपर सेहरा पहनाया जाता था, उस तरीके से तो रस्म नहीं होती, लेकिन जो भी बाराती होते हैं सबसे लड़के को सलामी दे रहे थे और फ़ोटोशूट हुआ सबका। तो बस थोड़ी सी ही सेहराबंदी हुई और हम लोग अभी निकल जाएंगे बारात के लिए। तो यहाँ पर देखें सब गाड़ियाँ तैयार हैं बारात जाने के लिए, सारी गाड़ियाँ लाइन से लग गई थी और बड़ा मज़ा आता है बारात का। एक अलग ही मज़ा होता है कि सारी गाड़ियाँ एक ही साथ एक ही रो में जाती हैं, तो बड़ा अच्छा भी लगता है देख के, एक अलग सी फीलिंग्स आ रही होती है, मज़ा आता है कि बारात जा रही है। तो गाड़ियाँ रेडी हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों में बैठना शुरू हो गए थे और हम भी गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से बाहर बारात के लिए। और रास्ता थोड़ा सा लंबा था, काफ़ी दूर थी बारात और जिस वजह से रात भी हो रही थी, काफ़ी लेट फंक्शन भी एंड हुआ और अभी रास्ते में ही है सब। अभी हम लोग हॉल जाकर जब हम लोग मार्केट पहुंच जाएंगे वहां पर मिलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बारात लेकर मार्की में और मार्की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। सारे अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हुए थे, माशाल्लाह दुल्हा और दुल्हन भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो अभी यहाँ पर दुल्हा एंटर हो रहे हैं हम लोग, लड़के वाले दुल्हे के साथ, उसकी क्लोज फैमिली है और बाकी सब साथ साथ थे बाराती। तो अभी हम लोग मार्की में एंटर हो रहे हैं, तो मार्की में एंटर हो रहे हैं और सारे जो लड़की वाले थे उन्होंने हमें वेलकम किया, बड़े अच्छे से वेलकम किया, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, मार्की बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत थी, बहुत वेल डेकोरेट थी, तो मैंने मार्की की भी अच्छे अच्छे से क्लिप्स बना लिए थे ताकि आप लोग देखें, और बहुत ही मज़ा आ रहा था मार्की को भी देख के, बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट लग रहा था, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, सब कुछ बहुत ज़्यादा मैनेज था, माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन था। अभी शुरू हो गया है जी डिनर का टाइम। डिनर जो था वो टेबल सर्विंग पर ही था, मतलब बुफे नहीं था, बार बार किसी को उठ के जाना नहीं पड़ा था, सब कुछ टेबल पर ही सर्व किया गया था। बहुत ही आसानी हुई थी खाने में भी, और खाना मुझे लगता है जब टेबल सर्विंग पर होता है तो वेस्ट भी नहीं होता, सब जितना जिसने खाना होता है वो उसी टाइम उतना लेता है और जब ज़रूरत होती है बाद में तो वो और ले लेते, तो बड़ा अच्छा मुझे लगा। इसमें खाना भी बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, जिसने जितना खाना था, जिसको जितनी भूख थी एट अ टाइम, वो उसी तरीके से सब ने ले लिया। क्योंकि अगर जब टेबल सर्विंग नहीं होती है तो बार बार उठना ना पड़े, इस चक्कर में लोग एक ही दफ़ा भर के ले आते हैं और वो खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अभी दुल्हे साहब जा रहे हैं ब्राइड के साथ, अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे और फ़ोटोशूट वगैरह कंप्लीट होने के बाद अभी स्टेज पर आ रहे हैं और यहाँ पर आ रही हैं जी दुल्हन। दुल्हन और दुल्हा माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत अच्छा कपल लग रहा था। और दुल्हन अभी अपनी फैमिली के साथ आ रही हैं और अभी आप लोग देखिए आगे भी बहुत अच्छा सारा कुछ चल रहा था, बड़े अच्छे से मज़ा आया। निकाह क्योंकि पहले ही हुआ हुआ था तो डिनर हुआ जाते साथ और फिर उसके बाद जो छोटी मोटी रस्में थी वो हुई।
अभी यहाँ पर लड़की की जो भी कजन थी वो दूध पिला की रस्म करी थी और लड़के को सब चेड़ रहे थे कि हमें देते और डॉलर देते दूध पिलाई की रस्म के बाद अभी हो रही है लड़की की गोद बराही की रस्म। उसमें ये था कि सात सुहागने लड़की की गोद में ड्राई फ्रूट्स कुछ थे जो डाल रही थी और यही रस्म थी। उससे पहले दूध पिलाई की रस्म हो चुकी थी, कज़नों ने की थी और बड़ा लड़कों को लड़के को बड़ा छेड़ा भी सब लड़कियों ने कि हमें डॉलर्स चाहिए क्योंकि वो लोग अमेरिका से आए हुए थे। और अभी यहाँ पर हो रही है रुखसती से पहले लड़के और लड़की के बेस्ट फ्यूचर के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उन लोगों के जोड़े को सलामत रखे। और अभी यहाँ पर रुखसती का टाइम आ गया है तो बस इतना सा ही था। अभी रुखसती के बाद सब घर जाएंगे और उसके बाद थोड़ी सी रस्में हुई थी जो कुछ मैं शूट कर सकी थी और कुछ मैं नहीं कर सकी थी क्योंकि अरहम को मैंने छोड़ा था मामा के घर पे और वो वहाँ पर हम लोगों को जाते घर जाते जाते काफ़ी लेट भी हो गया था तो वो अब डिस्टर्ब हो रहा था तो मैं जितना शूट कर सकी उतना ही किया। तो अभी सब लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में, रुखसती का टाइम आ गया है। और अभी जनाब हम लोग सब बारात लेकर वापस आ गए हैं, रुखसती हो गई है, सब गाड़ियाँ पहले ही पहुँच गई थी तो हम लोग भी पहुँच गए हैं लड़की को वेलकम करने के लिए। लड़के के जो भी कज़न्स थे उन्होंने अनार जलाए, बड़ी आतिशबाजी की, बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। और अभी उसको वेलकम करने के लिए हम लोग सब कुर्तीज़ खरीदी थी फूल लेकर के उसके ऊपर फूल निछावर किए जाएंगे। ये छोटी छोटी जो रस्में होती हैं बड़ी एक ट्रेडिशनल्स हमारी चल रही हैं और बड़ा मज़ा आता है इनको, एक हमारा अच्छा लगता है एक शादी का जो माहौल बना हुआ होता है तो अच्छी रस्में हैं इनको थोड़ा बहुत हमें फॉलो करना चाहिए। एक शादी का जो भी माहौल बना हुआ होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, इन्हीं रस्मों से पता लगता है कि शादी का घर है, शादी का माहौल है। तो अभी लड़का और लड़की गाड़ी से उतर रहे हैं और उनको वेलकम करने के लिए सारी लेडीज़ बच्चे सब खड़े हुए थे। दुल्हन को देखने का सबको बड़ा शौक होता है कि बच्चे भी बड़े सब आगे से आगे होते हैं, बड़ा रश भी हो रहा होता है लेकिन सब उसी में ही गुसगुसा के वीडियोज़ भी शूट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अभी लड़का और लड़की आ रहे हैं, अब हम लोग सब उनको वेलकम करेंगे। अभी दुल्हन दुल्हा आ गए हैं जनाब घर पे, इसके बाद हुई थी थोड़ी सी रस्में जो कि ट्रेडिशनल हमारी रस्में चल रही हैं वही वाली रस्में हुई थी लेकिन मैं घर चली गई थी क्योंकि अरहम मामा के पास था और यहीं पे मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वलीमे के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।